दोस्तों, फिल्मी दुनिया ग्लैमर और चमक दमक का क्षेत्र है। खासकर अगर मैं बात करूं एक्टर्स की, तो सफल और कामयाब एक्टर्स की तो बात ही अलग होती है। पर एक्टिंग भी एक ऐसा खास हुनर है जिसे सही तैयारी और अच्छे मार्गदर्शन से और ज्यादा निखारा जा सकता है। इसी कड़ी में हमने मुलाकात की कई सम्मानों से नवाजे जा चुके जाने माने फिल्म मेकर राहुल मित्रा से, और ली जानकारी कि कैसे हमारे आज के युवा एक्टिंग के फील्ड में आने के लिए तैयारी करें और किस कोर्स से उनके स्किल्स इम्प्रूव हो सकते हैं। आइए, इसके लिए लेकर चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट एक्सपर्ट की बात में। नंगा लुच्चा सबसे ऊंचा। फिल्में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे देश की फिल्में विदेशों में भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, और ये सब हो रहा है बेहतरीन टेक्नोलॉजी और दमदार एक्टिंग के कारण। हमारे देश के लाखों युवा एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में आने के लिए एक्टिंग स्किल्ड की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि सफलता आसानी से मिल सके। एक्टिंग खास करके क्योंकि इतना चैलेंजिंग आर्ट फॉर्म है, और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपकी आंखें, आपकी हैंड मूवमेंट्स, आप जिस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, जिस तरह से आप अगला इंसान जो आगे से डायलॉग बोल रहा है उसका जवाब दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, अपने किरदार को, स्क्रिप्ट को समझ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अपनी सराउंडिंग्स, अपना एनवायरनमेंट और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको समझना, समझने की काबिलियत अगर आप में है तो आप डेफिनेटली एक आपके चांसेस बेटर रहेंगे एक्टर बनने के लिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग के हुनर को संवारने के लिए स्कूल, कॉलेज और कई संस्थान काम करते हैं, जो कि टैलेंटेड युवाओं को इस फील्ड की बारीकियों और सूझबूझ की जानकारी देते हैं। इन्हीं संस्थाओं से निकलकर कई अभिनेताओं ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। अगर आपका पैशन है तो आप कहीं ना कहीं इस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। और मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि सुना है समंदर को बहुत घुमाना आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया। तो तूफान के अंदर आपको घुस के जाना है और जाते रहना है, और जब तक आपका मुकाम नहीं मिलेगा इस पैशन के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत से युवा चमक दमक भरी इस इंडस्ट्री में पैसा और शोहरत कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आज के कॉम्पिटिशन के दौर में उन्हें सफलता अच्छा कोर्स और पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती। इसका कारण है जानकारी का नहीं होना। सफलता के लिए जरूरी है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी प्रयास करें और आगे बढ़ते जाएं। जब एक्टिंग होती है तो सिर्फ आपको किरदार और सराउंडिंग्स और ये इस चीज का भी एहसास कि मेरे सामने कौन सा एक्टर है वो करेंगे भी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुल नहीं पाएगी, इस तरह की चीजें। और बाकी प्रैक्टिस है, अगर आप करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है कि क्या आप में वो काबिलियत है। क्योंकि अगर आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते बाद में, तो आपके पास और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने हैं, इतने सारे क्राफ्ट हैं, कुछ 22-25 तो क्राफ्ट्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर बनने आए थे वो डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर बनने आए थे वो एक्टर बन गए, कोई मेकअप में चला गया, कोई डायरेक्शन में चला गया, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो अगर आपकी रुचि फिल्म इंडस्ट्री में है और सिनेमा में है तो आप जुड़ के काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। कहते हैं मुश्किलों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना कर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, यानी कुछ ऐसा हासिल किया जाए जिससे एक अलग पहचान बन सके और आप सफलता पा सकें। कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष हर फील्ड में है, लेकिन अगर आप उस फील्ड की अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छी तैयारी के साथ किसी फील्ड में आते हैं तो आपका कामयाब होना निश्चित है। इसलिए आप जिस फील्ड में भी जाएं, अच्छी तैयारी से जाएं और कामयाब बनें।